पेरेंट्स, मैं आज आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ. वेरी कॉमन थिंग इन अवर किड्स डे टू डे लाइफ, दैट इज ट्रॉमा, मतलब गिर जाना. जब बच्चा गिर जाता है तो उसको कई जगह पे लगता है, बट इफ योर चाइल्ड फॉल्स ऑन फेस, अगर बच्चा मुंह पे गिरता है तो कई बार उसका दांत टूट जाता है. दिस इज इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ स्पेशली किड्स हु आर ऑफ एज 6 to 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज, बिकॉज जब बच्चों को परमानेंट दांत आ जाता है, तब अगर परमानेंट दांत बच्चे का गिर गया तो वॉट शुड वी डू, लाइक वी शुड डिस्कार्ड दैट टूथ और यू कैन प्रिजर्व दैट टूथ. दैट टूथ कैन बी री इम्प्लांटेड, वो मुँह में वापस से बिठाया जा सकता है या वो फेंक देना चाहिए. तो वही बात मैं आज आपको समझाने वाली हूँ. नाउ सपोज दिस इज अवर टूथ, ये अपना दांत है. व्हेन जब ये दांत अपने को मुंह में दिखता है तो इतना, दिस मच पोर्शन इज विजिबल इन अवर चाइल्ड्स माउथ. सो दिस मच पोर्शन इज इनसाइड द गम्स, दैट इज इसके ऊपर गम्स रहती है एंड दिस रूट इज एम्बेडेड इन अ बोन. नाउ जब बहुत सडन किसी चीज़ के वजह से, या फिर इफ़ बच्चा साइकिलिंग कर रहा है और साइकिलिंग करते करते गिर गया, या इफ़ योर चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन अ स्लाइड और ही इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग और वो गिर गया और उसके साथ उसका पूरा दांत गिर गया, दैट मीन्स अगर दांत पूरा बाहर आ गया, सॉकेट एम्प्टी हो गया, तो उसको अवलजन बोलते हैं. मतलब दांत पूरा, इन टोटल पूरा दांत मुँह से बाहर आ गया. तो कई पेरेंट्स को, ऑलमोस्ट 99% पेरेंट्स को ये चीज़ पता नहीं रहती है कि ये जो दांत है जो पूरा बाहर आ गया है, जो अभी सॉकेट में नहीं है, वो दांत वापस बिठा सकते हैं. दैट टूथ कैन बी री इम्प्लांटेड. जैसे लेकिन सिर्फ आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, अगर आपके बच्चे का दांत गिर जाता है, पूरा बाहर आ जाता है, तो उसको पूरी तरह से धोना नहीं है. यू हैव टू प्रिजर्व दैट टूथ. यू कैन प्रिजर्व दिस टूथ. फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सलाइवा में रख सकते हैं, मुंह में रख सकते हैं, जैसे बकल वेस्टिब्यूल में, यू कैन प्रिजर्व दैट टूथ. दूसरी चीज़, अगर आपको वो नहीं पॉसिबल है तो आप मिल्क में भी टूथ स्टोर कर सकते हो. तीसरी चीज़, अगर आपके पास इजीली मेडिकल में कहीं सलाइन अवेलेबल है तो आप सलाइन में भी वो टूथ प्रिजर्व कर सकते हो. एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हैंग्स बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन, दैट इज अवेलेबल ऑन मेडिकल स्टोर्स बट इट इज़ नॉट रेडिली अवेलेबल, सो यू कैन प्रिजर्व इट इन दैट ऑल्सो. बट मेन थिंग आपको सबसे ईजी है सलाइवा, मिल्क, एंड वन मोर थिंग इज कोकोनट वाटर. आप कोकोनट वाटर में भी वो दांत स्टोर कर सकते हो. जैसे ही आप वो दांत स्टोर करते हो, एज अर्ली एज पॉसिबल यू शुड विजिट टू यूर डेंटिस्ट और रादर आई विल से टू अ पीडोडोंटिस्ट, बिकॉज दिस टूथ कैन बी री इम्प्लांटेड. री इम्प्लांट मतलब वो दांत आपका वापस ऐसे बिठाया जा सकता है, सॉकेट में वो दांत वापस लगाया जा सकता है. इन माई दिस वीडियो आई एम शोइंग यू वन ऑफ माई केस, आई एम प्रेजेंटिंग वन केस ऑफ री इम्प्लांटेशन. So please do watch full video till end so that you will come to know कैसे गिरे हुए दांत को वापस re-implant किया जाता है and कैसे उसको splinting करके वापस normal healthy smile ला सकते हैं. तो please do watch my video till end and if you have any doubt regarding trauma, you can ask me questions in my comment box. Share and subscribe my channel. Thank you. Bye-bye.